अरे भाई कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मद्रापान में, मांसाहार में या अधिक अधिक गांजा आदि का जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे, उसमें डूब चुका है और माँ उसको समझा रही है, तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ करो। उसमें करना क्या है आपको, केवल जिस दिन व्रत रहे रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। दो पूर्णिमा व्रत करके तो देखो तीसरे में तुम्हें जरूरत ही, धीरे धीरे आप रुक वो छूटना प्रारंभ।